तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कंपनी आपसे बॉन्ड अग्रीमेंट कराती है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर लेती हैं और आपका जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे। तो बेसिकली होता क्या दोस्तों, कई बार फ्रस्ट्रेटेड होकर हम लोग ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे बॉन्ड एग्रीमेंट होता है, और कई बार अपनी चॉइस से भी हम लोग उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं कि चलो फॉर सपोज मुझे अगर ऑफर आ रहा है गूगल से और गूगल बोल रही है कि नहीं 2 साल का उस पर बॉन्ड एग्रीमेंट है और कंपनी अच्छी है तो चलो ठीक है मैं बॉन्ड एग्रीमेंट पर साइन कर दूंगा और वो मैं वहाँ पर कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। तो ये बेसिकली 2 कंडीशन बनती है वहाँ पर जो मैंने आपको बताई। तो उस केस में होता क्या है कि या जब आप अग्रीमेंट कराते हो या जब कंपनी अग्रीमेंट कराती है आपके साथ ना, तो वो 2 बेस पे करती हैं। या तो वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेती हैं, डॉक्यूमेंट्स को सपोज कि हो सकता है वो 10th 12th के मार्कशीट वगैरह, आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कंपनी सबमिट कर लेती हैं जब तक का आपका अग्रीमेंट है। या दूसरा जो उसमें केस होता है वो होता है आपका पे बेस पे, कि अगर आप फॉर सपोज 2 साल का अग्रीमेंट है, अगर आप 2 साल के पहले कंपनी को छोड़ते हो तो कंपनी को आपको, यानी कि आप अगर कंपनी छोड़ रहे हो तो आप कंपनी को 2 लाख रुपए पे करोगे, 4 लाख रुपए पे करोगे या 1 लाख रुपए पे करोगे। तो बेसिकली वो उस बेस पे आपका अग्रीमेंट डिसाइड होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें अगर आपका पे बेस पे अग्रीमेंट है, अगर बॉन्ड आपका पे बेस पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ईजी होती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम कंपनी स्विच कर रहे होते हैं या उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो उनको 2 लाख रुपए दे दो और आपका बॉन्ड अग्रीमेंट वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप डॉक्यूमेंट्स किसी कंपनी में सबमिट कर देते हो और उसके पहले अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो उनसे डॉक्यूमेंट्स निकलवाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि वो इसी वजह से सबमिट करते हैं कि बंदा छोड़ के ना जाए और उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रख लो। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बॉन्ड एग्रीमेंट में भी जा रहे हो, चाहे जॉब ना मिल रही हो उस वजह से या आप अपनी मर्जी से जा रहे हो उस वजह से, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि कंपनी आप वो वहाँ पे बॉन्ड एग्रीमेंट पे जाओ जहाँ पे आपके पे बेस पे हो, कि 1 लाख 2 लाख वॉट एवर अलग अलग होता है कंपनीज में, तो वहाँ पे आप जाओ। लेकिन जहाँ पे वो बोल रहे हैं नहीं डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करो हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन वगैरह के, तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा रिस्की होता है। इनकेस अगर सपोज आप 5 लाख के पैकेज पे अभी जॉब कर रहे हो और आपको नेक्स्ट वन ईयर में अगर आपको 10 लाख का ऑफर आ जाता है या 15 लाख का ऑफर आ जाता है और आपने अग्रीमेंट पे 2 साल का साइन कर रखा है, तो वहाँ पे आपके लिए जाना या वहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही अगर आपने पे बेस पे किया तो यहाँ पे आपको 2 चांस मिलते हैं। हो सकता है जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो कंपनी आपका बॉन्ड एग्रीमेंट खरीद ले, या आप ये सोचो कि नहीं यार मेरा 5 लाख का ऑफर लेटर है, 15 लाख वहाँ पे मुझे मिल रहा है, तो चलो 2 लाख रुपए इनको दे के वो मैं खरीद लूँ। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, और कंपनीज बहुत सारी ऐसी हैं जो आपका बॉन्ड एग्रीमेंट भी परचेस कर लेती हैं, लेकिन फिर वो कंपनी बॉन्ड एग्रीमेंट करा देती हैं कि अगर मैं तुम्हारा बॉन्ड एग्रीमेंट परचेस करूँगा तो आपको 2 साल मेरे पास रुकना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से घिरे तो रहोगे ही, एटलीस्ट आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है। समझ गए होगे कि एक्चुअली में रीजन क्या होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, डॉक्यूमेंट ना सबमिट करने का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।